को देना जरूरी है क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा का एक बार फिर से बयान सामने आ गया है और महबूबा मुफ्ती तालिबान को लेकर जमकर बोली हैं। साथ ही साथ पीएजीडी को लेकर भी बोला गया है। फिलहाल महबूबा मुफ्ती का बयान एक बार फिर सामने आया है और एक बार फिर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से नहीं दिया है ये बयान। दरअसल ये बयान दिया गया है गुलिस्तान न्यूज को से बातचीत करते वक्त और क्या कुछ बोली है वो गुलिस्तान न्यूज से बातचीत करते वक्त वो हम आपको जरूर बताएंगे क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने तालिबान को लेकर एक बार से फिर से बयान दे दिया है और शरिया कानून के मुताबिक देश चलाए तालिबान, ये महबूबा मुफ्ती साहिबा दरअसल कह रही है। और एक बार फिर महबूबा ने जब बड़ा बयान दिया है तो अब उस पर खलबली तो मचनी तय थी और महबूबा मुफ्ती के बयान पर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर में फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने भी तालिबान को लेकर बयान दिया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा क्या कुछ कह रही हैं वो आपको खुद सुनना चाहिए क्योंकि शरिया कानून के मुताबिक देश को चलाए तालिबान और पीएजीडी और 370 को लेकर भी बोला गया है। खासकर क्या कुछ गुलिस्तान न्यूज से बातचीत के समय कहा गया है महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से वो आप सुने। कुछ नहीं है, पीएजीडी बनी है किसी खास मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए 370 और 35 को रिस्टोर करने के लिए। इसके अलावा तमाम जमातों जो उस पीएजीडी में है उनके अपने अपने एजेंडे हैं और उस पर वो काम करती हैं, तो हर एक का अपना अपना रिएक्शन होगा इस पे। तो क्या पीडीपी की तैयारियां चल रही है इस हवाले से? क्या आपको लग रहा है काफी सारे कंसर्न्स भी हैं वुमन राइट्स को हवाले के हवाले से? ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के खिलाफ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के खिलाफ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं अगर वो उस पर अमल करेंगे, और तभी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं खासकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनका आपस का मसला है, उसमें राम गोपाल यादव कहते हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, कल वो यहाँ पर आए थे तो आपकी राय? देखिए पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जो बाहर से कमिटीज आती हैं, पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, उनको जगह जगह लेके चले जाते हैं ये दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मल है, जब हम जैसे लोग और या खासकर जो डीडीसी मेंबर हैं जो पिछले 9 महीने से उनको बंद किया हुआ है और उनको कहते हैं अगर आप बाहर जाओगी तो आपको खतरा है, पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है। तो जिन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, दूसरी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये तो उनका कहना है, उसमें मैं क्या कहूँ। चलिए आपने सुना महबूबा मुफ्ती साहिबा दरअसल क्या कुछ कह गई हैं। फिलहाल जैसे जैसे